फ्रेंड्स, दिल से इंडियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मानस, और सबसे पहले गणेश विसर्जन, हैप्पी गणेश विसर्जन टू ऑल ऑफ यू। आज पूरे इंडिया में गणेश जी की मूर्तियां विसर्जित हुई हैं, और आप लोगों ने शायद टेलीविज़न पे लाल बाग का राजा और मुंबई के बहुत से विसर्जित हुए हुए देखा होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शाहजहानपुर में कैसे मूर्तियाँ विसर्जित होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले हर मोड़ पर मटकियाँ फोड़ी जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पे अप्रॉक्स 12 मटकी फोड़ी गई थी रास्ते में, हर मोड़ पे फोड़ी गई थी। और यहाँ पे दो दिन विसर्जन हुआ था, 11 तारीख को मटिया के महाराज का हुआ था और 12 तारीख को हुआ था चौक के राजा जी का। दोनों में बहुत भीड़ थी, और आप देख सकते हैं कि कैसे ऊपर जो मटकी फोड़ रहे हैं उनको पानी डाला जा रहा है। और यहाँ पे इतना शोर था और इतना यहाँ पे उत्साह था लोगों में, वो देखने आप देख रहे होंगे। और इसलिए मैंने यहाँ की बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं हटाई है, क्योंकि इस साउंड का अलग ही फीलिंग है और अलग आपको उत्साहित करता है यहाँ ये। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दूसरी मटकी फूटने वाली है, ये फूटने वाली है चौक के राजा जी की। और अभी यहाँ से चौक के राजा जी भी निकलेंगे अपनी सवारी पे, मीन्स ट्रैक्टर ट्रॉली पे, क्योंकि चूहा तो नहीं ले जा पाएगा, और यहाँ इतनी भीड़ है चूहा तो भाग जाएगा। ट्रॉली पे निकलेंगे। चलिए आपको हम बताते हैं कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। इसके पीछे दो स्टोरी है। सबसे पहली स्टोरी है कि गणेश जी को की 10 दिन पूजा होने के बाद विसर्जन क्यों होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता। उसकी ये स्टोरी है कि जब महाभारत लिखी गई थी, तो महाभारत को लिखने वाले, मीन्स उसको राइट करने वाले गणेश जी थे, और उसके कंपोजर थे, इन्होंने बोला था, वो थे वेद व्यास जी ने 10 दिन तक लगातार महाभारत बोली थी, और गणेश जी ने लगातार 10 दिन तक लिखी थी। और 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने देखा, उनके लिखते लिखते उनका टेम्परेचर बहुत बढ़ गया शरीर का, क्योंकि मूवमेंट लगातार उनके हाथ का हो रहा था, वो थक गए थे। तो उन्होंने कहा था कि आप जाइए तालाब में नहा लीजिए। इसलिए इस वहाँ के नहाने उनके नहाने से अभी तक चल के आ रही है प्रथा, और इसको कहा जाता है गणेश विसर्जन, तभी 10 दिन तक पूजा होती है। दूसरा रीज़न यह था, इसको प्रमोट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रमोट किया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, फेस्टिवल होता है, इसमें बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, तो उसमें उनको मौका मिल जाता है कि नेशनलिज्म की बातें करने के लिए और नेशनलिज्म फैलाने के लिए और ब्रिटिश को अपोज करने के लिए। ये दो कारण थे इसके पूरी स्टोरी के पीछे, मैं आपको बता रहा हूँ। और इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ दूसरी मटकी फूटने वाली है चौक के राजा जी की, और यहाँ पे इससे पहले मटकी गिर गई थी, दूसरी मटकी लगाई गई है, ये मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पाया, वो बहुत ऑड लग रही थी इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाई। दूसरी मटकी लगी है, पहली मटकी गिर के टूट गई थी। और यहाँ पे बहुत भीड़ है, अप्रॉक्स 10,000 पीपल्स पूरे रोड पे होंगे, और यहाँ पे इस समय सारे व्हीकल्स बंद हो गए हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया, फिर से जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर मेरी आपको स्टोरी अच्छी लगी तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे चौक के राजा जी पधार रहे हैं, और बहुत भीड़ है यहाँ पे, उस कंट्रोलिंग के लिए पुलिस भी लगी है, और अच्छे से कंट्रोल किया गया है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं चौक के राजा जी पधार रहे हैं, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट में ये भी करें, ये भी लिखें गणपति बप्पा मोरिया, और जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और अपने सबको भेजिएगा, फ्रेंड्स को भेजिएगा। और आप देख चुके होंगे शाहजहानपुर में कैसे सेलिब्रेट होता है गणेश विसर्जन, और यहाँ पे भी बहुत बड़ा फेस्टिवल तरह से ट्रीट किया जाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं चौक के महाराजा जी, और मटिया के महाराज जी की मूर्ति पहले निकल गई थी, उस पर मैं बना नहीं पाया वीडियो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रंग खेला जा रहा था और पानी पड़ रहा था, इसलिए मैं शॉट नहीं खींच पाया। चलिए, थैंक यू।